वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें एक सर्कुलर फील्ड का सरकमफेरेंस बता दिया गया है कि 308 मीटर है, तो हमें उसका रेडियस और एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम रेडियस को आर लेट कर लेते हैं। लेट आर बी द रेडियस। अगर रेडियस आर है तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होना चाहिए 2 पाई आर इज इक्वल टू, हमें दे दिया गया है 308। तो यहां से हम r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और r इज इक्वल टू हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाय 2 इनटू पाई का वैल्यू अगर हम 22/7 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 22 और यहां पे 7 आ जाएगा इज इक्वल टू। आप इसे जब डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा 14 टाइम्स में और ये हो जाएगा 7 टाइम्स में, 7 इंटू 7 यानी कि 49 मीटर। सो रेडियस होगा 49 मीटर। अगर रेडियस 49 मीटर है तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 49 का स्क्वायर, मतलब कि 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 49 इंटू 49। इसे आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा यहां पे 7 और इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7546 मीटर स्क्वायर। सो हमें सर्कुलर फील्ड का एरिया भी मिल गया है और रेडियस भी मिल गया। थैंक यू।